हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मसनवी से मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। देखिए, मसनवी जो है वो हमारी क्लासिकी शायरी के अंदर आती है। क्लासिकी शायरी की जो असनाफ हैं उनके अंदर आती है। देखो, उर्दू शायरी की दो किस्मों में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो जदीद शायरी की जो है और एक क्लासिकल शायरी। जदीद शायरी के अंदर कौन कौन सी आती हैं? जदीद शायरी के अंदर आती हैं नसरी नज़्म है, मौर्रा है, मौर्रा नज़्म है, हाइको है। ये चीज़ें जो हैं वो जदीद शायरी के अंदर आती हैं। और जो क्लासिकल शायरी है उसके अंदर गज़ल, कसीदा, मसनवी और मरसिया वगैरह ये असनाफ आती हैं शायरी की, क्लासिकल शायरी के अंदर। तो क्लासिकल शायरी जो है वो हमने कहाँ से ली है? वो हमने ली है अरबी फ़ारसी से ली है, अरबी फ़ारसी शेर अदब से ली है वो हमने। तो ये इसी के अंदर मसनवी जो है वो हमारी उर्दू शायरी की अहम तरीन सिंफ है। एक ज़माने के अंदर बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर चुकी थी ये सिंफ। तो इसकी जो खसूसियात हैं, इसके जो लवाजिम हैं वो हमें मालूम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे निसाब के अंदर, एमए के अंदर ये शामिल है। और मसनवी की जो तारीफ़ है वो तो हम बीए से, फर्स्ट ईयर से ही हम शुरू कर देते हैं। उसके हमारे पास क्वेश्चन आने लग जाते हैं पेपर के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर ही। लेकिन जो मसनवी हम इनफरादी तौर पर हम मसनवी को पढ़ते हैं वो हम एमए के निसाब में पढ़ते हैं। तो मसनवी की जो तारीफ़ है, मसनवी किसे कहते हैं, मसनवी की खसूसियात क्या हैं, वो कौन से खसूसियात हैं जो उसे दीगर असनाफ से अलहदा करती हैं, तो ये चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। तो मसनवी की जब हम बात करते हैं उसकी सिफत की और उसकी तारीफ़ की, तो हम क्या कहेंगे कि मसनवी जो है वो इसनैन से बना, अरबी का लफ्ज़ है इसनैन, उससे बना है। उसके मानी होते हैं, देखो ये इसनैन जो है वो अदद के लिए इस्तेमाल किया जाता है अरबी के अंदर। अदद के यानी काउंटिंग के लिए, जो 1, 2, 3 होते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसका मतलब होता है दो। तो दो का लफ्ज़ हमने मसनवी से क्यों जोड़ा है, हमारे जहन में ये सवाल आता है कि दो का लफ्ज़ क्यों जोड़ा है। तो इसका मतलब इसलिए है, इसकी वजह, इसकी बुनियादी वजह ये है कि मसनवी का जो हर शेर होता है उसके दोनों मिसरे आपस में मुकफ़ा होते हैं, यानी दोनों मिसरों के अंदर काफ़िया इस्तेमाल किया जाता है। जैसे गज़ल और कसीदे का पहला शेर होता है ना, क्या कहलाता है वो, मतला कहलाता है। गज़ल और कसीदे का जो पहला शेर होता है उसके क्या होते हैं, दोनों मिसरे हम रदीफ़ और हम काफिया होते हैं। हम यही तो पहचान होती है उसकी। हम जब हमसे कोई पूछता है मतला किसे कहते हैं, तो हम यही तो कहते हैं कि उसकी, उसके दो पहला शेर है गज़ल या कसीदे का जो कि जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ़ और हम काफिया होते हैं, यानी उसके दोनों मिसरों के अंदर काफिया होगा। ठीक है, तो यही चीज़ जो है वो मसनवी के हर शेर में होती है। यानी गज़ल और कसीदे की तो पहले शेर के अंदर हुई, लेकिन मसनवी के अंदर यही खूबी जो है वो हर शेर के अंदर है। यानी उसका हर शेर के जो दोनों मिसरे हैं वो मुकफ़ा होंगे, दोनों मिसरों के अंदर काफिया इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन क्या है कि उसका हर शेर जो है ना मसनवी का, वो अलग काफिया रखता है, यानी यकसा काफिये नहीं होते हैं उसके अंदर। ऊपर से नीचे तक मसनवी की जो शुरुआत है उससे लेकर के आखिरी शेर तक यकसा काफिये नहीं होते, बल्कि हर शेर का काफिया जो है वो अलग अलग होगा। तो ये उसकी खूबी होती है। यानी दोनों, हर शेर के दोनों मिसरों में काफिये तो होंगे होंगे, लेकिन हर शेर का काफिया अलग होगा। तो ये इसकी बड़ी खूबी है। और इसकी वजह से क्या होता है कि मसनवी की अहमियत बढ़ जाती है। इसकी इस हैत की खूबी की वजह से मसनवी की अहमियत क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इसमें शायर जो होता है ना, उसमें काफ़िए की पाबंदी हट जाती है। तो क्या होता है कि वो उसे ये ध्यान नहीं रखना पड़ता कि मैंने जो हर ऊपर से लेकर के नीचे तक उसे एक ही तरह का काफिया इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, ढूंढने नहीं पड़ते उसे काफिये। तो उसे ख्याल की अदायगी जो है वो आसानी से हो जाती है। जब आपको याद है, जब मुकदमे शेर व शायरी के अंदर हाल ही ने गज़ल के ऊपर तनकीद की थी, तो उन्होंने यही बात कही थी कि काफिया जो है वो गज़ल के अंदर शायर के लिए एक मतलब बाउंडेशन है, उसके लिए कैद है कि वो काफियों की तलाश करता है एक जैसे। इसलिए क्या होता है कि उसका ख्याल जो है वो अदा नहीं कर पाता सही तरीके से, ख्याल की अदायगी के अंदर रुकावट पैदा होती है। तो मसनवी में ऐसा नहीं है। तो मसनवी में बस यही है उसकी खूबी कि उसका हर शेर जो है, हर शेर की के जो दोनों मिसरे हैं वो कैसे होंगे, दोनों मिसरे मुकफ़ा होंगे, हम काफिया होंगे। लेकिन हर शेर का अलग काफिया होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप जो पहले शेर के अंदर इस्तेमाल किया वो दूसरे शेर में भी
वही काफिया रखेंगे, यानी हम अलग अलग काफियों का इस्तेमाल करते हैं मसनवी के अंदर। तो मुख्तलिफ काफिये हो गए, हर शेर के अंदर मुख्तलिफ काफिये हो गए, डिफरेंट डिफरेंट काफिये इस्तेमाल किए जाते हैं। ये तो एक एक खूबी तो ये हो गई इसकी, एक खसूसियत तो ये हो गई। दूसरी बात ये होती है कि मसनवी जो होती है वो तवील नज्म होती है। तवील नज्म, तवील कहते हैं लंबी को, बड़ी को। तो तवील नज्म होती है मसनवी जो होती है, उसके अंदर तवालत बहुत, मतलब तवालत की कोई कैद नहीं होती। कितने अशआर इस्तेमाल किए जाएंगे इसकी कोई कैद नहीं है। जैसे गज़ल और कसीदे में तो होती है ना, गज़ल में क्या होती है कि कम से कम 5 शेर, ज़्यादा से ज़्यादा 19 शेर इस्तेमाल कर सकते हैं शायर। या फिर कसीदे के अंदर देख लो, यूं तो कसीदे 100-150 शेर के भी लिखे गए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कसीदे होते हैं वो 40-50 शेर के अशार के होते हैं। तो लेकिन मसनवी जो होती है उसके अंदर आप कितने भी अशार लिख दीजिए, कितनी भी बड़ी मसनवी लिख दीजिए, कितनी भी तवील मसनवी लिख दीजिए, कोई कैद नहीं है उसकी। हज़ारों हज़ारों अशार की भी मसनवियाँ लिखी गई हैं, जिसकी एक मुकम्मल किताब बन सकती है, बन जाती है। तो ये क्या होता है कि इसकी कोई कैद नहीं है तवालत की, ठीक है। दूसरी सिफत इसकी हो गई। तीसरी बात क्या होती है कि इसकी मौजू की कोई कैद नहीं होती, यानी हर तरह का मौजू इसके अंदर बयान किया जा सकता है। जैसे आप इश्किया मौजू बयान कर सकते हैं, इश्क मोहब्बत का किस्सा लिख सकते हैं, तारीखी मौजू कोई भी हो सकता है, जंग का मौजू हो सकता है, किसी जंग को बयान किया जा सकता है, तसव्वुफ को बयान किया जा सकता है, मनाजिर फितरत को बयान किया जा सकता है, शायरी की तारीफ हो सकती है, ठीक है, हुब्बुल वतनी हो सकती है, सियासी वाकया हो सकता है, सियासी वाकयात हो सकते हैं। तो मतलब ये है कि मसनवी के अंदर मौजू की कोई कैद नहीं होती, और मसनवी जो है वो उसके मौजू के से ही पहचान लेते हैं हम उसको, उसकी जो शिनाख्त होती है ना उसके मौजू से होती है। यानी इश्किया मसनवी, इश्क मोहब्बत के जब जबकि जिस किससे जिसके अंदर बयान किए जा रहे हैं वो कौन सी मसनवी होगी, वो इश्किया मसनवी कहलाएगी। तारीखी मसनवी होगी तो तारीख के ऊपर लिखी जाएगी, किसी तारीखी मौजू पर लिखी जाएगी तो वो तारीखी मौजू। देखो इश्किया मसनवियाँ बहुत ज़्यादा लिखी गई हैं उर्दू के अंदर, ये इन इनकी देख लो, सहरुल बयान देख लो, मीर हसन की सहरुल बयान है, ठीक है ना, इश्किया मसनवी है। दयाशंकर नसीम की देख लो, गुलजार नसीम, इश्किया मसनवी है। मिर्ज़ा शौक लखनवी की जहर इश्क, इश्किया मसनवी है, ठीक है। इसके अलावा इनकी वजही की देख लो, जो कुतुब मुश्तरी है, ये इश्किया मसनवी है। तो इश्किया मसनवी तो इतनी ज़्यादा लिखी गई हैं उर्दू के अंदर, दक्कन के अंदर लिखी गई, शुमाली हिंद के अंदर लिखी गई, जदीद दौर के अंदर लिखी गई। तो ये क्या है कि ये एक आम मौजू है और बहुत हमारे फितरत से करीब है ना चूंकि ये, इसलिए क्या है, हर ज़्यादातर मसनवियाँ इसी पर लिखी गई हैं। रज्म के मौजू पर, जंग के मौजू पर जो मसनवियाँ लिखी जाती हैं वो रज़मिया मौजू मसनवियाँ कहलाती हैं। मसलन नुसरत की अलीनामा जो है, अली आदिल शाह के जंगों के ऊपर लिखा गया, उन्होंने अली आदिल शाह ने शिवाजी के साथ जो जद्दोजहद उनकी रहती थी, या फिर मुगलों के साथ भी उनके उनके उन्होंने जो है वो उनके जद्दोजहद देखने को मिलती है, जंग है उनके यहाँ। तो वो जो उनकी जो भी जंगें हैं, जो भी जंग के वाकयात हैं उनके, अली आदिल शाह के, वो उन्होंने नुसरती ने अलीनामा के अंदर लिखी। तो ये रज़मिया मसनवी हो गई, ठीक है, मौजू के एतबार से होती है। या फिर उनको देख लो, तसव्वुफ़ के मौजू के अंदर जो के मौजू पर जो मसनवी होती है वो सूफियाना मसनवी कहलाती है। मसलन जैसे उनकी खूब मोहम्मद चिश्ती की मसनवी है खूब तरंग, या फिर मीरा जी शमसुल इशराक की मसनवी खुशनामा देख लो, ये मसनवी क्या होती है, ये तसव्वुफ़ के मौजू पर तो सूफियाना मसनवी है कहलाएंगी। मनाजिर फितरत पे इन्होंने देख लो हाल ही ने लिखी है ना, हाल ही ने जो बारिश के मौसम उस पर लिखी है बरखा रुत। तो क्या है कि मसनवी जो है वो अपने मौजू के, ना तो इसमें मौजू की कोई कैद नहीं है, को किसी भी तरह का मौजू इस्तेमाल किया जा सकता है, और हम जो हैं वो इस मौजू से हम उसका नाम दे लेते हैं, उसको पहचान लेते हैं, उसकी शिनाख्त कर लेते हैं। इश्किया मसनवी है, रज़मिया मसनवी है, या सियासी है, या तारीखी है ना, ये मसनवियाँ होती हैं। तो ये मसनवी इस तरह मौजू की कोई कैद नहीं है, तवालत की कोई कैद नहीं है इसके अंदर, काफियों की कोई इसके अंदर वो नहीं, इल्तज़ाम नहीं किया जाता कि है ना यकसा काफी ऊपर से नीचे तक होने चाहिए, हर शेर का जुदा काफिया होता है, ठीक है ना। हाँ, एक शेर के अंदर दोनों मिसरे जो होते हैं वो मुकफ़ा होते हैं, यानी दोनों मिसरों के अंदर काफिया होता है और किसी उसमें नहीं होता। गज़ल और कसीदे के अंदर क्या होता है, उनमें सिर्फ पहला शेर मुकफ़ा होता है, मतलब पहले शेर के दोनों मिसरे मुकफ़ा होते हैं, बाकी तो सारे उसमें
नहीं होते हैं। तो ये इस मसनवी के अंदर होते हैं। मसनवी का हर शेर जो होता है, हर शेर की दोनों मिसरे मुकफ़ा होंगे, तो हर शेर जो होगा हम उसे क्या कहेंगे, हर शेर को हम मतला कह सकते हैं। हर शेर का जो मतलब, हर शेर जो है वो मतले की सिफत रखता है। जो जो और गज़ल और कसीदे का जो मतला होता है ना, वही वही हर शेर इसके अंदर होता है, मसनवी के अंदर होता है। तो इसके अंदर बहुत सारी आज़ादियाँ हैं। इसके इसके जो अनासिर हैं मसनवी के, वो कौन से हैं? इसके अनासिर के अंदर देखा जाए तो वैसे तो इसकी कोई कैद नहीं है, किसी भी तरह से मसनवी शुरू किया, लेकिन आमतौर पर जो पुराने ज़माने के अंदर इसकी कुछ एक वो कर लिया था शायरों ने, कि पहले हमद इस्तेमाल हमद कर लिखते थे, फिर नात लिखते थे, मनकबत लिखते थे, उसके बाद जो बादशाह होता था उस ज़माने के अंदर उसकी मदहा करते थे वो, फिर वो किस्से का आगाज़ करते थे, पूरा किस्सा बयान करते थे, और उसके बाद वो खात्मा होता था, यानी किस्सा ख़त्म होता था। तो होता ये है कि जो मसनवी के ये अनासिर थे, लेकिन ये सारे अनासिर हर मसनवी के अंदर नहीं होते, और बहुत सारे शायर जो हैं उन्होंने इन अनासिर की पाबंदी नहीं की है, डायरेक्ट किस्सा शुरू कर दिया है। तो ये कोई इसकी कोई कैद नहीं है कि हाँ ये अनासिर होने चाहिए मसनवी के अंदर। तो मसनवी जो है वो बहुत सारी आज़ादियाँ रखती है, हयात की आज़ादी रखती है, मौजू की आज़ादी रखती है, लेकिन उसमें एक चीज़ होती है, मसनवी के अंदर क्या होता है, तसलसल होता है। मसनवी जो होती है तवील नज़्म होती है, और एक मोती की लड़ी की तरह होती है, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक उसमें तसलसल होना चाहिए, सिलसिला होना चाहिए, अशार जो है वो मरबूत होने चाहिए, क्योंकि उसमें एक ही मौजू बयान किया जाता है ना, तो इसलिए सिलसिला, इसलिए तसलसल होना बहुत ज़रूरी है, मरबूत होने चाहिए अशार एक दूसरे के साथ। उसके अंदर क्या होता है, एक ही बहर का इस्तेमाल किया जाता है ऊपर से नीचे तक। वज़न जो होता है हर मिसरे का वो बराबर होता है, ठीक है, जो वज़न होता है मिसरों का वो क्या होता है, ऊपर से नीचे तक एक ही होता है, बराबर होता है। तो ये कैद होती है, इसकी ये ध्यान रखना पड़ता है, यानी ये तसलसल का ध्यान रखना पड़ता है। मसनवी जो होती है वो मुसलसल होती है, तसलसल का ख्याल उसमें रखना पड़ता है, मरबूत होते हैं उसके अशआर, ठीक है, बाकी इसकी कोई कैद नहीं होती। इसीलिए तो हाल ही ने इसको क्या कहा, सबसे ज़्यादा कारामत सिन्फे सुफन कहा है। मसनवी को जब उन्होंने चारों असनाफ की अमली तनकीद की मुकदमे शेर व शायरी के ना, गज़ल कसीदा मरसी और मसनवी, तो उन्होंने ये कहा था कि मसनवी जो है अपनी वाकया निगारी की वजह से, अपने तसलसल की वजह से, मौजू की आज़ादी की वजह से, तवालत की वजह से सबसे ज़्यादा कारामद सिन्फ़े सुखन है। इसके अंदर क्या है, ये वाकयाती शायरी, ये बयानिया शायरी की के लिए सबसे ज़्यादा मौजू जो है वो सिन्फ है, यानी इसके अंदर जो बयानिया शायरी है, किसी वाकये का बयान किया जाता है तो उसके लिए ये सबसे ज़्यादा मुनासिब सिन्फ है। इसके अंदर ये बयानिया शायरी की किस्म कहलाती है। तो इसके अंदर क्या है, मुख्तलिफ किस्से बयान किए गए हैं, मुख्तलिफ वाकयात बयान किए गए, इसी वजह से, क्योंकि इसमें कोई कैद नहीं है, ना तो मौजू की कैद है ना तवालत की कैद है। एक इसकी इसकी एक बड़ी खूबी क्या होती है, जो हम इसकी इफादियत कह सकते हैं, कि यह अपने ज़माने की माशरत, अपने ज़माने के रहन सहन, अपने ज़माने की जो समाजी ज़िंदगी है, ठीक है ना, उन सब की अक्कास होती है, उन सब की एक उनका अक्स पेश करती है। यानी हम मसनवियों के ज़रिए जिस दौर के अंदर लिखी गई है, जिस ज़माने के अंदर लिखी गई है, उस ज़माने की माशरत को समझ सकते हैं, उस ज़माने की समाजी ज़िंदगी का हमें बहुत आसानी से अंदाज़ा हो सकता है, यानी उस ज़माने में लोग किस तरह रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनका जो मज़हबी अकीदा था वो क्या था, वो कैसे लिबास पहनते थे, उनकी रस्में कैसी होती थी, उनके जेवरात कौन से होते थे, खाने पीने के अकसाम कौन से थे, जैसे दास्तानों के अंदर होता है ना, दास्तानों की जो मतलब इफादियत है, दास्तानों में भी यही होता है, क्योंकि वो दास्तानें भी तवील होती हैं और अपने अहद से जुड़ी होती हैं। तो ये क्या है कि यही बात मसनवी के अंदर है, क्यों, क्योंकि जो अदीब होता है, शायर होता है, वो अपने अहद से नज़र नहीं चुरा सकता, जैसा उसका ज़माना है, जिस ज़माने के अंदर, जिस माहौल के अंदर वो रह रहा है, जिस माहौल के अंदर वो लिख रहा है, उस माहौल का असर जो है वो उसके ऊपर पड़ता है। तो मसनवी के अंदर भी जब वो कहानी बयान करता है, या कोई भी वाकया बयान करता है, किसी दौर का किस्सा बयान करता है, तो क्या होता है, उस दौर की माशरत का हमें अंदाज़ा बखूबी हो जाता है। देखो, तुमने वो पढ़ी होगी, सहरुल बयान पढ़ी होगी मीर हसन की, तो मीर हसन की जो सहरुल बयान है उसके अंदर
हमें तमाम जो उस दौर का जो मुगलिया सल्तनत का जो वो था, रस्म और रिवाज थे, शादी की रस्में थी, बच्चा पैदा होता है, छठी की रस्म क्या होती है, किस तरह होती है आला तबके के अंदर, वो उसके अंदर पूरी तरह दिखाई दी। शादी की रस्म किस तरह होती है, किस तरह के लिबास होते हैं, और वो मतलब रस्में छोटी छोटी, पान खिलाना दूल्हा को, ये चीज़ें जो होती है ना, और किस तरह के जेवरात उन्होंने पहने थे जो औरतें थी, और वो क्या है कि खुशी के मौके के ऊपर किस तरह का म्यूजिक बजाया जाता था, किस तरह का वो होते थे, नाच वगैरह जो होते थे वो किस तरह के होते थे। तो ये सब चीज़ें जो है ना, वो हमें रस्म इसके अंदर सारी रस्में जो हैं, जो आरास्ता किस तरह किया जाता था, महलों को किस तरह आरास्ता किया जाता था, जो बादशाह होते थे, आला तबका होता था, वजीर जादे हैं, शहजादे हैं, ये इनका जो उठने बैठने का, नशस्त बरखास्त के तरीके क्या थे, वो किस तरह के बोलते थे, उनकी जो जबान थी वो किस तरह की थी। तो ये सब चीज़ें जो थी, ये सब चीज़ें जो हैं, वो हमें मसनवियों के अंदर देखने को मिलती हैं, इसलिए इनकी बड़ी इफादियत है। हाँ, ये अपने दौर की तर्जुमान होती हैं, ये अपने हम एक मखसूस दौर को, एक ख़ास ज़माने को इस मसनवियों के ज़रिए समझ सकते हैं। तो ये हमारी बड़ी अहमियत होती है। तो इसलिए मसनवियों की क्या है कि फ़ायदे बहुत है। एक ज़माने के अंदर जो दक्कन के अंदर बहुत ज़्यादा मसनवियाँ लिखी गई, शुमाली में भी बहुत ज़्यादा मसनवियाँ लिखी गई, तो वो दौर के अंदर तवील मसनवियाँ लिखी गई, बड़ी बड़ी मसनवियाँ लिखी गई। फिर जो जदीद दौर आया, हाली और आज़ाद ने जो मसनवियाँ लिखी, वो मुख्तसर मसनवियाँ तो लिखी हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, ज़िंदगी से जोड़ दिया, क्योंकि जदीद शायरी का आगाज़ हो गया था 1857 ईस्वी के बाद, गदर के बाद जदीद शायरी का आगाज़ होता है। तो जदीद शायरी के अंदर जो हाली और आज़ाद ने नेचुरल शायरी के ऊपर तवज्जो दी है, जो मकसदी शायरी पर जोर दिया कि ज़िंदगी और समाज से जुड़ा हुआ होना चाहिए शायरी को, वो इस बात को ही तो कहते थे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो लेक्चर दिए हैं तनकीद के, या हाली ने जो मुकदमे शेर व शायरी लिखी, तो उन्होंने यही बात रखी कि शायरी जो है वो ज़िंदगी से जुड़नी चाहिए, शायरी जो है वो समाज से जुड़ी हुई होनी चाहिए, अपने गिर्दोपेश के माहौल से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ये नहीं कि तख़य्युली बातें कर रहे हैं जो उससे पहले कर रहे थे ना मसनवी के अंदर। तो हम क्या कर रहे थे, माफ़ुक़ुल फ़ित्र अनासिर होते थे, हमारे यहाँ जिन भूत परियों की बातें होती थी, उसके अंदर जो किस्से बयान किए जाते थे, इश्किया किस्से बयान किया, तुम शायरुल बयान को देख लो, गुलजार नसीम को देख लो, ये तो हमारी बहुत ज़्यादा हमारे निसाब में शामिल है, तो वो तो हम पढ़ते ही हैं, तो उनके अंदर देख लो, तो उनके अंदर क्या होता है कि माफ़ुक़ुल फ़ित्र अनासिर का बयान होता है, जिन होते हैं, भूत होते हैं, परियां होती हैं, या फिर ऐसे बादशाह होते हैं, ऐसे शहजादे होते हैं, जिन जिनका कि आज के दौर के अंदर देखने को, आज के दौर के अंदर क्या, किसी भी दौर के अंदर हम नहीं देख सकते, इतने बहादुर के कई कई 100 आदमियों से एक साथ लड़ लें, 72 लड़ लें, है ना, और वो ऐसे ताबीज़ होते थे जो कि बाजू पे बांध लें तो फिर इंसान गायब हो जाता था, किसी को दिखाई नहीं देता। तो ये चीज़ें मिलती ही नहीं है कहीं भी, ये चीज़ें तो क्या है, हमारे तख़य्युल की देन है। हम सोचते थे उस बात को, उड़ने वाले कालीन हैं, बोलने वाले तोते हैं, बोलने वाले जानवर हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती थी, माफ़ुक़ुल फ़ित्र अनासिर होते थे उस ज़माने के अंदर, मसनवी के अंदर, जो जदीद शायरी से पहले, गदर से पहले जो लिखा गया, उसके अंदर हमें ये माफ़ुक़ुल फ़ित्र अनासिर देखने को मिलते हैं मसनवियों के अंदर। लेकिन वो मसनवियाँ भी अपने दौर की तर्जुमान होती, क्योंकि अभी हमने आपसे क्या कहा कि शायर और अदीब जो है वो अपने माहौल से नज़रें नहीं चुरा सकता। तो जब वो अपने माहौल, जिस जो उसका गिर्दोपेश का माहौल है, जो उसने देखा है, जिस तहजीब को उसने देखा है, जिस माशरत को उसने देखा है, जिस समाज को उसने देखा है, जिस रहन सहन को उसने देखा है, वो अपने आप ही इनडायरेक्टली उसकी तहरीरों के अंदर आ जाता है। तो वो क्या होता है कि माफ़ुक़ुल फ़ित्र अनासिर को पेश करने के बावजूद, एक तख़य्युली किस्से को बयान करने के बावजूद, क्या होता है, अपने अहद से जुड़ा हुआ होता है, अपने अहद की माशरत को बयान करता है। लेकिन ये सब क्या है, गदर से पहले की मसनवियों की खसूसियात है। गदर के बाद जो मसनवियाँ लिखी गईं, जब आज़ाद और हाली ने जदीद शायरी के अंदर अपने मसनवियाँ लिखी हैं, पंजाब के अंदर, जो लाहौर के अंदर जो नाज़्म पंजाब के अंदर उन्होंने, जो उसके तहत जो मुशायरे हुए थे उनके अंदर जो उन्होंने नज़में लिखी हैं, जो जदीद नज़्म थी उसके अंदर उन्होंने क्या मुख्तसर वो लिखी थी, तो उसमें क्या है, वो आज के दौर से, मतलब इंसान की हकीकी ज़िंदगी से जुड़ गई, और वो जो माफ़ुक़ुल फ़ित्र अनासिर थे वो ख़त्म हो गए। तो ये तब्दीली आई उसके अंदर, लेकिन वो हयात जो है उसकी वही रहती है, यानी उसका
हर शेर जो है वो जुदा काफिया रखता है और हर शेर के अंदर दोनों मिसरे मुकफ्फा होते हैं, और उसका जो उनवान होता है, उसकी जो पहचान होती है, शिनाख्त होती है, वो उसके मौजू से होती है। यानी वैसे मौजू की कोई कैद नहीं है, किसी भी तरह का मौजू शायर इस्तेमाल कर सकते हैं। तवालत की कोई कैद नहीं है, तवालत कितनी भी हो सकती है, उसकी कितनी भी अशार का इस्तेमाल कर सकता है, हजारों हजारों अशार जो हैं वो उसके अंदर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये जो होती है मसनवी की खसूसियात होती हैं, और मसनवी जो होती है वो इसी वजह से हाल ही ने उसको कारामा सिन्फे सुखन कहा है, सबसे ज़्यादा कारामा सिन्फे सुखन तमाम असनाफ के अंदर, कि वो अपनी आज़ादियाँ, अपने अंदर बहुत ज़्यादा आज़ादियाँ रखती है, उसमें पाबंदियाँ बहुत कम होती हैं, और शायर जो होता है वो अपने ख्याल को अदा करने के लिए आज़ाद होता है, तसलसल होता है उसके अंदर ऊपर से नीचे तक, इसलिए कि वो एक ही मौजू का बयान करता है। और वज़न जो होता है उसका, हर मिसरे का वज़न जो होता है वो बराबर होता है। तो ये इसकी खसूसियात थी, उम्मीद है आप लोगों को ये मसनवी जो है उसकी खसूसियात आसानी से समझ में आ गई होंगी। आइंदा दूसरे वीडियो में हम किसी और मौजू पर गुफ्तगू करें। थैंक यू।